वेलकम बैक टू स्टॉक्स पावर यूट्यूब चैनल। तो आज आप वोडाफोन आइडिया लिमिटेड स्टॉक के बारे में बात करने वाले, लेटेस्ट न्यूज भी चेक करेंगे, उसी के साथ आप फंडामेंटली नंबर्स चेक करेंगे, क्या इन्वेस्टमेंट के लिए सही था टाइम है, वोडाफोन आइडिया स्टॉक में कहाँ पे सपोर्ट ले सकता है, कहाँ पे रेजिस्टेंस ले सकता है आने वाले समय में, और उसी के साथ यहाँ पे आप देख सकते हैं टेक्निकल एनालिसिस भी देखेंगे। तो वोडाफोन आइडिया स्टॉक की बात की जाए तो आज यहाँ पे आप देख सकते हैं 9.65 पे ट्रेडिंग करता हुआ नजर आ चुका था, 35 पैसे अप है, आज 3% से ज्यादा तकरीबन 4% तक रैली करता हुआ नजर आ चुका है। सुबह में एक अच्छे यहाँ पे बाउंस बैक किया था, पर रिसेंटली यहाँ पे गिरावट देखने को मिली है दोपहर के बाद। तो वोडाफोन आइडिया स्टॉक की बात देखी जाए तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मंथ ऑफ जनवरी से मूवमेंट भी देखी जाए तो यहाँ पे 37.94 यानी कि 38% की गिरावट देखने को मिले वोडाफोन आइडिया स्टॉक के अंदर पूरे मंथ ऑफ जनवरी से, यानी कि 5 महीने में यहाँ पे इतनी गिरावट हो चुके। तो रिसेंटली यहाँ पे आप देख सकते हैं 10 लेवल के नीचे ट्रेडिंग करता हुआ भी नजर आ चुका है। तो लेटेस्ट न्यूज की बात की जाए तो लेटेस्ट न्यूज यहाँ पे वोडाफोन आइडिया स्टॉक के लिए देख सकते हो, जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं कि वोडाफोन आइडिया इन टॉक्स विद अमेजन पीज फॉर ₹20,000 करोड़ इन्वेस्टमेंट। मीन्स यहाँ पे आप देख सकते हैं वोडाफोन आइडिया यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अमेजोन के साथ यहाँ पे बातचीत चालू है तकरीबन अमेजोन के साथ यहाँ पे डील करने के लिए 20,000 करोड़ के इन्वेस्टमेंट के लिए। तो उसी के यहाँ पे आप देख सकते हैं तकरीबन वोडाफोन आइडिया विल हैव अ सॉलिड टर्न अराउंड वार जस्ट इफ इट क्लिंचेज द अमेजोन डील। अमेजोन के साथ डील करते हैं तो एक अच्छा यहाँ पे आप देख सकते कि वार हो जाएगा टेलीकॉम कंपनीज में और एक अच्छे बढ़ने के चांसेस भी दिखाई दे सकते हैं वोडाफोन आइडिया कंपनी के लिए। तो वोडाफोन आइडिया जम्प्स नियरली 6% इंट्राडे ऑन न्यूज ऑन ₹20,000 करोड़ इन्फ्यूजन। तो यहाँ पे न्यूज आते ही आज यहाँ पे एक अच्छी मूवमेंट भी की थी यहाँ पे वोडाफोन आइडिया स्टॉक ने। तो वोडाफोन आइडिया स्टॉक के चार्ट एनालिसिस पे भी नजर डाली जाए तो रिसेंटली यहाँ पे आप देख सकते हैं वोडाफोन आइडिया ने यहाँ पे सेटल हो चुका है 8.50 पे सपोर्ट लेके बाउंस बैक किया है। पर रिसेंटली यहाँ पे आप देख सकते हैं कल से मंथ चेंज हो जाएगा, मंथली प्यूट लेवल जो है रिसेंटली यहाँ पे देख सकते हो ये जो प्यूट लेवल्स है वो भी चेंज होने के चांसेस है। आज के दिन एक अच्छी उछाल देखने को मिली थी, 10 लेवल को ब्रेक करके भी ऊपर चला गया था, पर मंथली प्यूट जो था वो 10.15 पे था, वही पे रजिस्टर लगा और वही से गिरावट देखने को मिले फिर से वोडाफोन आइडिया स्टॉक ने। तो एक अच्छी उछाल के बाद यहाँ पे गिरावट भी देखने को मिली है वोडाफोन आइडिया स्टॉक में आज के पूरे दिन में। तो यहाँ पे आप देखा जाए तो यहाँ पे वोडाफोन आइडिया 10 लेवल को जब ब्रेकआउट करेगा तो उसके बाद यहाँ पे और जो ब्लू कलर का लाइन दिखाई दे रहा है वो है 200 मूविंग एवरेज को, 200 का जो मूविंग एवरेज है वो भी यहाँ पे रजिस्ट्रेशन का काम करेगा जबकि ऊपर जाएगा वोडाफोन आइडिया स्टॉक। तो करंटली यहाँ पे देखा जाए तो वोडाफोन आइडिया स्टॉक के बाकी के डिटेल देखे जाए जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि वोडाफोन आइडिया रिसेंटली 9.62 3% से ज्यादा रिटर्न दिया है आज के दिन में, यानी कि मार्केट कैप देख सकते हो 30,898 करोड़ की है, करंट प्राइस जो है 9.62 है, पी रेशियो देख सकते हो पी रेशियो यहाँ पे नहीं है, बुक वैल्यू भी माइनस में दिया गया है, डिविडेंड तो ऑफर नहीं करता है स्टॉक। पर आरओसी की भी बात की जाए तो आरओसी में देख सकते हो माइनस में ही है, रिटर्न ऑन इक्विटी देखा जाए तो यहाँ पे नहीं दिया गया, पर फेस वैल्यू जो है ₹10 का है, जो डेप्ट है यानी कि कर्जा कंपनी के ऊपर जो लोन है 2,13,000 करोड़ का है, और नेट प्रॉफिट देखा जाए तो इस साल में 28 करोड़ का लॉस होता हुआ नजर आ चुका है वोडाफोन आइडिया कंपनी में। ईपीएस भी देख सकते हो, ईपीएस की बात की जाए तो ईपीएस जो है माइनस में ही है, सेल्स है 38,000 करोड़ के ऊपर सेल्स हो चुके हैं, और टोटल जो एसेट्स है 1,94,000 करोड़ के ऊपर टोटल एसेट्स है, प्रोमोटर होल्डिंग 75% की है और प्रोमोटर होल्डिंग में शेयर्स प्लेज नहीं है, और एक साल में 7.51% का रिटर्न दिया है सिर्फ यहाँ पे वोडाफोन आइडिया कंपनी ने। तो बाकी के डिटेल भी देखेंगे तो उसके पहले यहाँ पे आप देख सकते हैं टिकट टिप पे भी चेक करेंगे कौन कौन से इंपॉर्टेंट चांसेस है इन्वेस्टमेंट के लिए, कौन कौन से पॉइंट अच्छे है। वैसे देखा जाए तो बेसिक चीजें भी देख सकते हो, पहली बार इन्वेस्टमेंट चेकलिस्ट में बेसिक देखेंगे तो इंट्रिंसिक वैल्यू के लिए इनसफिशियंट रहता है, आरओई वर्सेस एफडी रेट देखा जाए तो बैंक एफडी जो जितना रिटर्न देता है उसमें के लिए भी यहाँ पे इनसफिशिएंट डाटा दिया गया है, डिविडेंड रिटर्न की बात की जाए तो स्टॉक यहाँ पे अट्रैक्टिव डिविडेंड ऑफर नहीं कर लेता, और एंट्री करने के लिए देखा जाए तो एक अच्छा मौका है तो क्योंकि यहाँ पे स्टॉक ओवरऑल जोन में नहीं है तो एंट्री करने के लिए भी एक अच्छा मौका है वोडाफोन आइडिया कंपनी में। नो रेड फ्लैग्स आने के देख सकते हो कि स्टॉक यहाँ पे रेड फ्लैग्स फाउंड नहीं है क्योंकि यहाँ पे स्टॉक यहाँ पे प्रमोट एएसएम लिस्ट में भी नहीं है और तकरीबन प्रोमोटर होल्डिंग में ज्यादा शेयर प्लेज नहीं, प्रोमोटर होल्डिंग भी अच्छी खासी है 75% की और उसमें देख सकते हो कि तकरीबन प्रोमोटर होल्डिंग में शेयर प्लेज नहीं जो कि बहुत बढ़िया बात है। तो बेसिक के साथ यहाँ पे आप देख सकते हैं प्रो चीजें भी देखे जाए वोडाफोन आइडिया स्टॉक के लिए तो प्रो में देख सकते हो जो डिफॉल्ट प्रोबेबिलिटी है वो आने वाले 12 महीनों में यहाँ पे हाई रहने के चांसेस है। क्वालिटी चेक्स की बात की जाए तो पुअर परफॉर्मेंस है क्वालिटी चेक्स में, और ग्रोथ स्कोर की बात की जाए जो तो सेटिस्फैक्ट्री परफॉर्मेंस दिखाया गया है ग्रोथ स्कोर में। तो रिसेंटली यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मार्केट कैप जो है
मिड कैप की है, और यहाँ पे आप देख सकते हैं रिस्क देखी जाए तो हाई रिस्क का ये स्टॉक है। तो उसी के साथ यहाँ पे सिप की जाती है यहाँ पे 2017 में, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 6,000 के 5,000 क्योंकि गिरावट होती हुई नजर आ चुकी थी। तो फॉरकास्ट रिपोर्ट भी देखेंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 18 एनालिस्ट मीन्स 18 एनालिस्ट की राय ली गई थी, उनमें से एक ने भी यहाँ पे इन्वेस्टमेंट के लिए यहाँ पे कोई राय नहीं दी गई। पर यहाँ पे प्राइस फोरकास्ट देखा था तो हायर रिटर्न एक्सपेक्टेशन है, ए प्राइस यहाँ पे आप देख सकते हैं 34% बढ़ने के चांसेस है यहाँ पे वोडाफोन आइडिया स्टॉक के लिए। तो रिसेंटली यहाँ पे आप देख सकते हैं प्राइस फोरकास्ट 2023 के लिए देखा जाए तो 12.47 का हाई जाने के चांसेस यहाँ पे दिखाई दे रहे। तो प्राइस के साथ यहाँ पे आप देख सकते हैं न्यूज़ की बात की जाए तो न्यूज़ में यहाँ पे आप देख सकते हैं करंटली हम लोगों ने देखा है तकरीबन टॉप हेडलाइंस वोडाफोन आइडिया टू राइज फंड्स मीन्स वोडाफोन आइडिया फंड राइजिंग के लिए भी देख रहा है, और तकरीबन यहाँ पे अमेजोन के साथ यहाँ पे 20,000 करोड़ के इन्वेस्टमेंट के लिए भी बातचीत चालू है वोडाफोन आइडिया। मीन्स यहाँ पे एक अच्छी बात है, जो वोडाफोन आइडिया में कुछ होता है तो बहुत बड़ा होने के चांसेस है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं बाकी की चीज़ें देखे जाए जैसे कि होल्डिंग की बात की जाए वोडाफोन आइडिया स्टॉक में, तो यहाँ पे प्रोमोटो होल्डिंग देख सकते हो तकरीबन पिछले 6 महीने में जो है प्रोमोटो होल्डिंग 3% तक बढ़ चुके हैं और रिसेंटली 74.99% के हो चुके हैं। तो बाकी के डिटेल देखे जाए तो यहाँ पे आप देख सकते हैं म्यूचुअल फंड होल्डिंग है 1.41, यहाँ पे मार्च क्वार्टर में म्यूचुअल फंड होल्डिंग बढ़ गई है 1.03% से 1.41%, मीन्स यहाँ पे मार्च क्वार्टर में म्यूचुअल फंड होल्डिंग भी बढ़ चुके हैं। डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल देखा जाए तो 0.30 है, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल देखा जाए तो 3.57 है, और पब्लिक होल्डिंग जो है 19.72% की है। तो यहाँ पे बाकी के डिटेल देखे जाए जो कि हमने बात की थी, तो रिसेंटली यहाँ पे वोडाफोन आइडिया स्टॉक के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट कौन से है इन्वेस्टमेंट के लिए, तो प्रोज देखे जाए तो प्रो में देख सकते हो प्रोमोटो होल्डिंग जो है वो यहाँ पे आप देख सकते हैं पिछले लास्ट क्वार्टर में बढ़ चुके हैं, यही एक अच्छी बात है इन्वेस्टमेंट के लिए। पर कॉन्स की बात की जाए तो कॉन्स में देख सकते हो कंपनी का जो इंटरेस्ट कवरेज रेशियो है वो भी यहाँ पे लो है, और कंपनी ने यहाँ पे आप देख सकते हैं पिछले 5 सालों में पुअर सेल्स ग्रोथ, यानी कि सेल्स जो है सेल्स का ग्रोथ वो पुअर दिखाया गया है पिछले 5 सालों में। ये दो पॉइंट यहाँ पे इन्वेस्टमेंट ना करने के लिए है, यानी कि कॉन्स में। तो यहाँ पे पीयर कंपैरिजन देखोगे तो यहाँ पे नंबर 2 पे आता है भारतीय एयरटेल, तो बहुत ही मार्केट कैप के हिसाब से बहुत ही ऊपर है, यहाँ पे आप देख सकते हो। तो क्वार्टरली रिजल्ट भी देखे जाए तो क्वार्टरली रिजल्ट के हिसाब से मूवमेंट देखे जाए तो मार्च 2022 के जो सेल्स थे 10,240 करोड़ के थे, एक्सपेंसेस जो थे 5,590 करोड़ के थे वोडाफोन आइडिया के, वो यहाँ पे आप देख सकते हैं ऑपरेटिंग जो प्रॉफिट था वो 4,649 करोड़ का है। इतना यहाँ पे आप देख सकते हैं ऑपरेटिंग प्रॉफिट जो हर क्वार्टर में प्लस में, तो भी यहाँ पे वोडाफोन आइडिया के लिए लॉस में क्यों जा रहे वो भी यहाँ पे हम देखेंगे क्यों लॉस में जा रहे। उसका भी कारण ये है कि जो इंटरेस्ट जो लगता है यहाँ पे उनके कंपनी के ऊपर इंटरेस्ट और डिप्रिसिएशन जो लगता है वो बहुत ज़्यादा लगता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो जो इंटरेस्ट 5,300 करोड़ का लगा था मार्च क्वार्टर में, और जो डिप्रिसिएशन था वो 5,900 करोड़ का लगा था। इसी की वजह से जो है यहाँ पे आप देख सकते हो कि जो स्टॉक है -6,000 में चला गया था, 6,000 करोड़ का लॉस हो चुका था मार्च क्वार्टर में। तो रिसेंटली यहाँ पे आप देख सकते हैं प्रॉफिट एंड लॉस की भी बात की जाए तो मार्च 2022 में अच्छे खासे सेल्स हो चुके थे, फिर भी यहाँ पे आप देख सकते हैं कंपनी लॉस में चली गई क्योंकि यहाँ पे इंटरेस्ट जो है 20,000 करोड़ के ऊपर गए थे और डिप्रिसिएशन 23,000 के ऊपर गए थे। तो रिसेंटली बैलेंस शीट भी चेक की जाए तो बैलेंस शीट इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे आप देख सकते हैं जैसे कि शेयर कैपिटल भी देख सकते हो बढ़ते हुए दिखाई दिए मार्च 2022 में, रिजर्व शेयर्स जो थे वो यहाँ पे माइनस में जाते हुए दिखाई दिए, और जो बोरोइंग थी यहाँ पे 29,000 करोड़ का यहाँ पे आप देख सकते कर्जा था वो इस साल में 2,13,000 पे चला गया है, मीन जो कर्जा था वो बहुत ज़्यादा किया है 2,13,000 करोड़ का किया है, और यहाँ पे फिक्स एसेट भी देख सकते हो 1,56,000 के हो चुके हैं, और इन्वेस्टमेंट जो थी 4 करोड़ की थी वो 5 करोड़ की सिर्फ हो गई है। तो ये थे लेटेस्ट अपडेट यहाँ पे आप देख सकते हो वोडाफोन आइडिया स्टॉक के लिए।